हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है रिजोल्यूशन 2462, यानी रिजोल्यूशन 2462 है, वो न्यूज़पेपर में काफ़ी बार आपने देखा होगा। यह किससे रिलेटेड है? देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने है सेंक्शंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, सेकेंड है टेरर फाइनेंसिंग, थर्ड है फेज आउट ऑफ प्लास्टिक्स, और फोर्थ है US रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गोलान हाइट। अब देखो, बात ऐसी है कि रिजोल्यूशन 2462 है वो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा प्रस्ताव या पारित है वो किया गया था, और ये एक्चुअली जो टेरर फंड फाइनेंसिंग होती है इससे रिलेटेड है, या इसको रोकने के लिए ये आया हुआ है रिजोल्यूशन 2462। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैपिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर द कंट्री ऑफ बोलिविया, मतलब बोलिविया कंट्री के साथ कौन कौन सी कंट्री ऑफ बॉर्डर शेयर करती है। पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा ब्राज़ील, चौथा उरुग्वे, और चौथा दिया गया यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। अब आपको बताना है कि बोलीविया से कौन कौन सा यहाँ पे बॉर्डर टच है वो कर रहा है। तो देखो, चलते हैं हम मैप की तरफ। ये देखो साउथ अमेरिका का मैप है, एक बार जल्दी से इस मैप को भी हम देख लेते हैं। सबसे ऊपरी ऊपर आप यहाँ पे देखोगे है वेनेजुला, इसके बाद में है यहाँ पे कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जिसका एक साइड का हिस्सा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अटलांटिक ओशन है, इसको टच कर रहा है देखो इस साइड वाला एरिया, और यहाँ पे कोलंबिया का दूसरा जो हिस्सा है वेस्ट साइड वाला ये टच कर रहा है पैसिफिक ओशन को। तो ध्यान रखना, पैसिफिक ओशन और दोनों को एक तरीके से कनेक्ट या डिवाइड करने वाला है वो कोलंबिया कंट्री है। ये आपका इक्वाडोर है, फिर यहाँ पे पेरू है, फिर नीचे चिली जो पतली से लंबी शेप में है चिली कंट्री है, यहाँ पे बोलीविया है जो कि कम्प्लीटली लैंड लॉक कंट्री है, फिर यहाँ पे पराग्वे है ये भी लैंड लॉक कंट्री है। ये ध्यान रखना है साउथ अमेरिका में दो कंट्री हैं वो लैंड लॉक हैं, एक तो है पराग्वे और एक है बोलीविया। फिर यहाँ पे ब्राज़ील आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी कंट्री है, वेनेजुला के बाद में इधर हमने आप देखा गुयाना कंट्री है ये यहाँ पे, और ये फ्रेंच गुयाना है। इसके साथ ही उरुग्वे है जो कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसका एक साइड का ऐसे अटलांटिक ओशन में टच है वो कर रहा है यहाँ पे, फिर अर्जेंटीना का हिस्सा, और यहाँ पे फाल्कन आइलैंड है जो कि काफ़ी बार न्यूज़ में भी आपने देखे होंगे। अब आप देखिए, ये तो हो गया बोलीविया, बोलीविया के एक साइड का बॉर्डर है वो ब्राज़ील टच कर रहा है, एक साइड है वो पेरू का बॉर्डर टच कर रहा है, एक साइड चिली का, और एक साइड यहाँ पे आप देख सकते हो पराग्वे है, तो एक साइड अर्जेंटीना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर कहाँ कहाँ टच है वो कर रहा है, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है दोनों ही, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप अब आपका इसका आंसर है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा की बात यहाँ पे की गई है कि भाई मकर रेखा है वो कहाँ कहाँ से पास है वो होती है। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा केन्या, चौथा है यहाँ पे गाबोन। तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो इसी के बेसिस पे हम इसका रिप्लाई है वो दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप व्यक्ति से गूगल जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे बताइए मैप वगैरह को देख के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उमंग एप्लीकेशन को लेके आया, कि हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं दो और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है उमंग एप्लीकेशन को लेके। पहला है कि इट वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव एसेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर द MSMEs। सेकेंड ये है कि जो उमंग ऐप है वो ऑपरेट और डेवलप किया गया है, सॉरी, जो डेवलप और ऑपरेट किया जाएगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब देखो, हम बात करते हैं उमंग एप्लीकेशन। उमंग जो एप्लीकेशन है वो इसलिए आया था कि जो गवर्नमेंट के काफ़ी सारी सर्विस या काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है ना वो सारी सर्विस एक ही एप्लीकेशन पे मिल जाएं। देखो क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारी सर्विसेज हैं या बहुत सारे गवर्नमेंट की फैसिलिटी हैं, उन सब के लिए अलग 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 से एप्लीकेशन होगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीन हो जाता है कि भाई यूजर को पता ही नहीं चलता कि भाई कौन कौन सर्विस कहाँ से मिलेगी। इसलिए उमंग एप्लीकेशन बनाया गया कि भाई सारी भी गवर्नमेंट की जो भी सर्विस और फैसिलिटी हैं वो आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल सकें। तो मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा इसको ऑपरेट वगैरह किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है गोबरधन योजना को लेके हैं, और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा गया। ध्यान रखना, पूछा क्या है मतलब हमें गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला यह है कि इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज द पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सेकंड यह है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देखो, यहाँ पे गोबरधन स्कीम को लेकर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको इम्प्लीमेंट है वो करेगी, बट हमें यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर ए और बी। अब देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन।
देखो इंडिया के अंतर्गत जो लेबर फोर्स है इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा है, इसको ले भी ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। तो पहले तो कुछ नहीं बनता कि भाई ऑक्सफैम ये सॉरी जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ऑक्सफैम के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में डाटा कहाँ कहाँ का लिया गया है वो हम देखते हैं। देखो ये जो रिपोर्ट है ना इसमें 2011-12 के टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट का सर्वे उस टाइम पे सर्वेक्षण किया गया था उसका डाटा यूज़ किया गया है, जो कि आयोजित किया गया था नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO। इसके साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्टडीज़ हैं, इसका डाटा है वो भी यूज़ किया गया है। और इन दोनों पैरामीटर के आधार पर ऑक्सफैम ने वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डाटा है रिपोर्ट है वो जारी की है। इस रिपोर्ट में देखो कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं कि हमारे देश में जो वुमेन वर्कर है ना इनको लो वेजेज मतलब इनको कम तनख्वाह कम सैलरी है वो दी जाती है कंपेयर टू मेल। इसके साथ ही इसमें यह है कि जो जॉब सेक्टर है ना इसमें एक तरह से अनइक्वलिटी असमानताएँ बहुत बड़ी हैं। इसके साथ ही एक अच्छा फैक्ट इसमें यह बताया गया है कि एजुकेशन सेक्टर में जो असमानताएँ थी ना वो डिक्रीज हुई हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, मतलब बॉयज़ भी ज़्यादा स्कूल में जाने लग गए हैं, उनका भी एजुकेशन लेवल बढ़ा है, उसके साथ गर्ल्स भी स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही ये बताया गया कि मेन और वुमेन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर थे पहले, धीरे धीरे वो उससे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ रहे हैं और दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव है वो कर रहे हैं। बट ये बताया गया कि अभी भी ऑलमोस्ट जो 75% जो रूरल वुमेन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड है, उसी में इंगेज हैं या उसी से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अफ्रीकन यूनियन को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि भी इंडियन गवर्नमेंट ने अफ्रीकन यूनियन के साथ एक MOU है वो साइन किया है। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन है क्या। देखो अफ्रीकन यूनियन है ये मेनली बनाई गई थी 2001 में और इसका जो सेक्रेटेरियट जो हेडक्वार्टर है वो है अदीस अबाब जो कि इथोपिया की कैपिटल है। और अभी ये सिटी या ये कैपिटल न्यूज़ में थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बोइंग एक विमान क्रैश हुआ था तो काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी ये अदीस अबाब जो कि इथोपिया की कैपिटल है और यहीं पर अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरियट या हेडक्वार्टर है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। मेनली ये ग्रुप 2001 में फाउंड हुआ था बट 2002 से साउथ अफ्रीका में इसको लॉन्च है, एक्टिव फॉर्म में रह गया था। इसमें जो साउथ सॉरी जो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं लगभग 55 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना ग्रुप है, एक तरीके से यूनियन है वो बना रखी है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन आपको पता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक ग्रुप है, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन भी अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? अदीस अबीब जो कि इथोपिया की कैपिटल है। तो एक बार आप गूगल मैप में या जो ऑक्सफर्ड का मैप वगैरह होता है एटलस वगैरह वहाँ पर जाके आप देखिए कि जो अदीस अबीब है या फिर इथोपिया है वो है कहाँ पर, क्योंकि इसकी लोकेशन UPSC पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन को लेके। देखो पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है वो हमारे देश के एक स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मिले कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंटेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूज़ में थी तो एक बार हम देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि जो पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन जो कंपनी है ना उसने अभी एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम है REC लिमिटेड, और इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद यह इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल प्लेयर बन चुकी है, मतलब इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल कंपनी है वो प्लेयर है वो बन चुकी है। ध्यान रखना सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है इंडिया में SBI का। सबसे बड़ा अगर हम बात करें इंडिया में जो गवर्नमेंट ग्रुप है या कॉरपोरेशन है वो है SBI, क्योंकि SBI में आपको पता है कि जो इसके 6 एसोसिएट बैंक थे उनको मिला के इसको कंबाइन मर्ज है वो कर दिया गया था। और सेकेंड नंबर पर बात करें तो वो आता है PFC यानी पावर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन। और हम बात करें प्रॉफिट के बेसिस पे तो सबसे इंडिया में थर्ड नंबर पे जो प्रॉफिट रहा है सबसे ज़्यादा के मामले में वो रहा है पावर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन का। तो इसको लेके कुछ छोटी सी इफेक्ट आया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इसराइल को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि इसराइल में अभी एक लॉन्गेस्ट सोल्ट केव है वो डिस्कवर की गई, मतलब नमक की खान है खदान है उसको डिस्कवर किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो UPSC लंबाई वगैरह तो नहीं पूछेगी, खैर है कहाँ पे इसकी लोकेशन वो बताना चाहिए। इसकी लोकेशन है डेड सी, इसराइल और जॉर्डन के एरिया वाले में एक डेड सी है, मर्द सागर के नाम से जानते हैं, उसके पास इसको डिस्कवर है, इस सॉल्ट को केव को या उस गुफा को डिस्कवर है वो किया गया है। और इससे पहले अगर इन बात करें ऑल रोड में सबसे बड़ी जो नमक की गुफा थी वो थी ईरान में। तो ऐसे कुछ दो चार फैक्ट ध्यान में रखना। ईरान का एक आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पे कुसम आइलैंड, उस आइलैंड में एक्चुअली सबसे बड़ी नमक की गुफा थी बट अभी इसराइल में डिस्कवर की गई है लगभग 10 किलोमीटर की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ढोले को लेके। ढोले का मतलब यहाँ पे है जो ऐसे जंगली कुत्ता होता है उसको ढोले के नाम से या ढोले के नाम से जानते हैं, दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। कंटेक्स्ट ही आया है कि देखो ढोले है ना इसके जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए इसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे प्रयास कर रही है। और उन्होंने जो हमारा वेस्टर्न घाट है उस वाले हिस्से में मेनली है पाया जाता है,
इंडेमिक नहीं है, मेनली उस वाले एरिया में पाया जाता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप उठाई कि भाई इनको कंजर्व है, प्रिजर्व है, वो किया जा सके, बट इनकी संख्या में कोई खास इजाफा या खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है कंटेक्स्ट। अब हम बात करें IUCN में इसके खतरे की लिस्ट है तो वो है इंडेंजर्ड लिस्ट पे हैं, और जो साइट्स है उसमें अपेंडिक्स सेकंड में इसको रखा गया है, और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें इसको शेड्यूल सेकंड में रखा गया है। और इसी के साथ ही जो धोले हैं ये है एक हाईली सोशल एनिमल है, मतलब ये काफ़ी समाज के साथ मिलजुल के काफ़ी फैमिलियर टाइप का ये जानवर है। और यह अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है तो यह मेनली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया वाले रीजन में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मेनली यह पाया जाता है। तो ये इसको लेके कुछ फैक्ट है जिन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।